जिक्र करना बनता है, दो चार बातें हुई हैं वहाँ पे। एक तो जरा मेटल इंडेक्स को आप 6 महीने 1 साल का दिखाएं, एक अच्छे रिबाउंड के बाद करेक्ट हुआ और अब लास्ट 15-20 दिन से बाय के ट्रेड्स इनिशिएट होना मेटल में शुरू हो रहे हैं। ये शुरुआत हुआ था स्टील काउंटर्स से, सेल को छोड़ के, सेल मत दिखाइएगा। JSW स्टील और JSPL में लॉन्ग ट्रेड शुरू हो गए, अब धीरे धीरे दूसरे स्टॉक्स में भी आ रहे हैं। ये देखिए 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे, और अब जब डॉलर इंडेक्स 108 पे आ गई है, आज स्टील में सौदे होंगे, आज मेटल में डेफिनेटली सौदे होंगे, अगर इच्छा कर रही है मेटल में ट्रेड करने की। गुरलीन, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कंपेलिंग लॉन्ग कहां बनता है? इन द मेटल पैक? जी हाँ, actually, as of now, I'm not really tracking the metal pack, so I wouldn't really be able to answer कोई this. बात नहीं। चिराग, आपको दिखता है ट्रेड मेटल में? I would be a seller in metal stocks on the right. मुझे अगर टाटा स्टील कहीं पे भी 107-108 का ट्रांसफर सेंटर है तो 111 के स्टॉप लॉस से मैं क्रॉस करूंगा। सेल मेरे लिए लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ही है। मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली जैसे कि मार्केट वापस हॉल्ट लेगा, अपसाइड में से सेल का आउट परफॉर्मेंस वापस स्टार्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड टारगेट मेरा 73 से 65 है। इसमें ओवरऑल कंप्लीटली अदर देन वेदांता सारे मेटल स्टॉक्स वीक लग रहे हैं। वेदांता में हाई रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है मेटल पैक में, उसको मैं शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा। बट टाटा स्टील और सेल मेरे टॉप बेस्ट रहेंगे शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट से यहाँ पर मेटल्स में डेवलप होते हुए ये राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। देवेंद्र जी, आज की पिक समझ लेते हैं। गुलीन बताएं कौन सी आपकी आज की बेट्स? तो सबसे पहला रहेगा अशोक लेलैंड। यहाँ पर हमें चार जो उसके क्वार्टर टू के नंबर्स हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं, प्लस ऑन द चार्ट एज वेल काफी अच्छे रिवर्सल जोन पे है, तो यहाँ पर बाय का सजेशन रहेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 141 एंड अ टारगेट ऑफ 152। सेकेंड वन वुड बी एफल इंडिया। एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन पैटर्न में है इन अ फॉलिंग वेज एंड सेम अ बाय रिकमेंडेशन ऑन दिस वन एज वेल। स्टॉप लॉस रहेगा 1138 का और टारगेट रेंज रहेगा 1235 से लेके 1260 तक का। और थर्ड स्टॉक होगा IT सेक्टर में से जो कि है HCL Tech, जिसपे बाय कॉल ही रहेगी। स्टॉप लॉस 1033 का विद अ टारगेट ऑफ 1090। गुरलीन, अशोक लेलैंड आपको भी पसंद आ रहा है, क्या बात है। हम लोग अभी ये बात ही कर रहे थे कि कैसे लेलैंड ने इस क्वार्टर में मार्केट शेयर बढ़ाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट शेयर बढ़ाना। स्टॉक चला हुआ है कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मार्केट शेयर नहीं, ये हमने अशोक लेलैंड की मैनेजमेंट में आई शेयर कमर्शियल व्हीकल का चेहरा लगा दिया। कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर देते, लेकिन